हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आपके लिए आ चुकी है दिवाली स्पेशल सीरीज। और फर्स्ट एपिसोड जो होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज हम बनाएंगे अनार जैसी एक डिश। देखने में बिल्कुल अनार जैसी लगती है, जैसे कि आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे। तो फटाफट से वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, फटाफट से दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, ट्राई करना इस दिवाली कुछ नया अनोखा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में डाल दिया राई और तेल के साथ। अब हम इसमें डालेंगे फाइन चॉप अनियन, ये दो अनियन है। इन्हें डालने के बाद हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करने तक भूनना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना है, हल्का सा पक जाए। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर को पका लेंगे। ये हम फिलिंग बना रहे हैं जो अपने अनार होंगे ना उनके लिए। देखिए, अब हम आलू में थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद हम अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। आप जितना स्पाइस चाहते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी हल्दी, इससे क्या है कलर आएगा, ब्राइटनेस आएगी हमारे मसाले में। और इस मसाले को डाल देना है टमाटर और प्याज के मिक्सचर में और अच्छे से इसे 1-2 मिनट के लिए भून के मसाले को तैयार कर लेना है कुछ इस तरीके से। हमारा मसाला रेडी है, इसे ठंडा कर लेंगे अब हम। और यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। टमाटर के ऊपर का काट के अंदर से सारा हमने इसे खाली कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ऊपर का इसका ढक्कन बना दिया है, कुछ अनार की सी शेप दे दी है हमने इसमें। अब इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई है ना, वो भरना है। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल और अनोखा आपको मिलेगा देखने को, खाने में बहुत बढ़िया। इसे हमें पूरा फिल नहीं करना है, आधा फिल करना है। आप चाहें तो इसमें बीच में एक लेयर में पनीर डाल सकते हैं, पर मेरे पास था नहीं इस वक्त, तो मैंने नहीं डाला। मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी सौंठ, जो इमली वाली सौंठ होती है ना, एकदम अच्छा फ्लेवर देगी। ऊपर से स्पाइसी आलू, मिडिल में एकदम सेंटर में होगा अपनी सौंठ, जो कि थोड़ी सी स्वीट है और बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर। ऊपर से और आलू और एकदम फिल कर लेंगे इसे ओवरलोड, अच्छे से फिल करके अच्छे से आलू भर लेंगे इसमें हम। देख सकते हैं पूरा आलू अच्छे से भर लिया है। और इस पर ऐसे ढक्कन लगा देंगे। इस तरीके से हमें दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। एक पैन यहाँ पर गरम किया है, उसमें डालेंगे तेल थोड़ा सा। अब हम इन्हें करेंगे हल्का सा पैन फ्राई, जिससे जो इसकी आउटर स्किन होगी ना उसे भी हम खा सकें और वो भी अच्छे से क्रिस्प और बढ़िया हो जाए। दोनों टमाटर यहाँ पर डाल दिए और देखिए यार कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और खाने में देखने में देखिए कितने अच्छे रोस्ट हुए हैं और बहुत ही बढ़िया एक की थोड़ी सी शेप। इसके लिए आप टाइट टमाटर ले सकते हैं।